कोविड 19 से बचाव को लेकर वैक्सीन लेना आवश्यक है। इसे लेना भी आसान है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार की ओर से समय समय पर जो गाइडलाइन आ रहे हैं किस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन का डोज पड़ना है, उस गाइडलाइन के अनुरूप वैक्सीन अवश्य लें। यह बातें आयुक्त श्री जटाशंकर चौधरी ने कही। वे आज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज मेदिनी राय मेदिनीनगर सदर अस्पताल पहुंचकर कोविड 19 से बचाव हेतु वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद पलामू प्रमंडल वासियों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहे थे। उनके साथ डीआईजी श्री राजकुमार लकड़ा, उप निदेशक जनसंपर्क आनंद के अलावा आयुक्त कार्यालय के अन्य कर्मियों ने भी टीका लगवाया। डीआईजी श्री राजकुमार लकड़ा ने कहा कि यह वैक्सीन सुरक्षित है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार टीके को लगवाना सुनिश्चित करें। सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयुक्त, डीआईजी, उप निदेशक जनसंपर्क एवं अन्य कर्मियों का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर में रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसके बाद उन्हें कोविड 19 से बचाव हेतु वैक्सीन दी गई। इसके बाद उन्हें 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। लेने के लिए अपील करना चाहूँगा, या स्पेशली हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, या फिर बोलिए कि अब सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप सीनियर सिटीजन, फिर और जितने लोग हैं, तय मापदंड के अनुसार लें वैक्सीन, या सुरक्षित है। आज मैंने सदर अस्पताल में कोवैक्सीन का पहला डोज लिया। लेना भी आसान है और उससे किसी तरह का साइड इफेक्ट मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मेरे साथ हमारे डीआईजी साहब ने भी लिया और हम पलामू के सभी लोगों से, पलामू प्रमंडल के सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे जो प्रोटोकॉल आ रहा है कि किस कैटेगरी के लोगों को पढ़ना है, उसके हिसाब से आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। यह सुरक्षित है और इसका लाभ भी आने वाले दिनों में महसूस होगा। तो यही मेरा संदेश है।